एटामी जिले के वरिष्ठ विद्युत अधिकारी ने लिया एक्शन। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगे विद्युत लट्ठों में करंट आने को लेकर लगवाई काली पन्नी। एटा एससी राजकुमार सिंह और शहरी एक्सईएन एबी रॉय एसडीओ योगेश मौल्या ने किया जिले का भ्रमण। लट्ठों में करंट की शिकायत पर एटा एससी शहरी एक्सईएन हाइड्रिलल एसडीओ शहर ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगे विद्युत लट्ठों पर काली प्लास्टिक पन्नी लगाकर किया सुरक्षित। एटा एससी राजकुमार सिंह शहरी एक्सईएन एबी रॉय एसडीओ योगेश मौल्या ने जनता से की अपील, बारिश के मौसम में बिजली लट्ठों से दूर रहे। शहरी एक्सईएन एबी रॉय एसडीओ योगेश मौल्या सहित टीम पहुंची शहर के कैलाश मंदिर पर। विद्युत टीमों ने लट्ठों पर काले प्लास्टिक पन्नी लगाकर किया करंट से सुरक्षित। शहर में घूमकर लट्ठों के पास बिजली तारों के नीचे हाथ ठेला लगाने वालों को चेतावनी देकर हटवाया। अगर फिर भी हाथ ठेला वाले अपना ठेला नहीं हटाते तो उनको पुलिस द्वारा हटवाया जाएगा। कावड़ मेला, बारिश के मौसम में बिजली लट्ठों में करंट आने की शिकायत पर एससी राजकुमार सिंह शहरी एक्सईएन एबी रॉय ने लिया ये कड़ा एक्शन। हर्ष एटा की रिपोर्ट। सर, कावड़ मेला चल रहा है, शहर में भीड़भाड़ भी है, जिस तरीके से बारिश का मौसम है बता रहा है, कुछ लट्ठों में करंट भी आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? पूरा इस बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो है पूरे जनपद का भ्रमण कर लिया गया है जी। जहाँ भीड़ इलाका है जैसे कैलाशगंज है, तो उन पोलों में हमने जो है पॉलीथीन बंधवाना शुरू कर दिया है जी। और आगरा रोड में भी पॉलीथीन बांधी जा रही है जी। और इधर जो है सिकोहाबाद रोड पे बांधी जा रही है, और जितने भी पोल के नीचे दुकान लगाते खम्भे के नीचे जी, उनको जो है आज हटाने का प्रयास किया गया है। और चेतावनी दी गई है कि पोल के नीचे जो है हमारे जो है दुकानें या किसी प्रकार की चीज न लगाएं जिससे कोई घटना घटित हो। और लोगों सर, पूर्व में भी आपने चेतावनी दी थी लोगों को जो है यहाँ लट्ठों के और तारों के नीचे ना रहें पहले भी, तो उस पर अमल नहीं किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा? क्या कहें, पब्लिक के द्वारा नहीं किया जा रहा है। अभी मैं जो है एडीएम साहब से बात करता हूँ, अगर कोई नहीं मानता है तो पुलिस द्वारा